हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएसएट प्रिपरेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम सबसे पहले, जैसे कि बाकी सेशन में हमने किया था कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के लिए। तो नेम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि आज जो हमारा न्यू सेशन है वो रहने वाला है साइंस के लिए, और इसका जो हम सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये तो चीज़ क्लियर है आप सभी को कि जो साइंस है वो फोर सेक्शंस में डिवाइड होती है, एनवायरमेंट स्टडीज, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। क्लियर? तो ये चार सेक्शंस है जिसमें से हमारा एनवायरमेंट स्टडीज स्टार्ट हो चुका है। तो इसके डिटेल देने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि जो ये जो सेशन है ये रहने वाला है पीएसटेट और सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए। वो स्टूडेंट्स जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं और पेपर टू को वो फिल करने वाले हैं, मेरे कहने का मतलब जिनका कॉम्बिनेशन मैथ और साइंस है, ये सेशन उनके लिए है, बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे साइंस के सिलेबस को अच्छे से डिटेल में। डे बाय डे जो आपके लेक्चर्स हैं वो लगेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और कल आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें साइंस की, तो जो साइंस है उसके जो चार सेक्शंस हैं उसमें से हम इन्वायरमेंट स्टडीज को स्टार्ट कर चुके हैं। एनवायरमेंट स्टडीज, अब आपके मन में डाउट होगा कि ये तो पेपर वन के स्टूडेंट्स के लिए है, एटीटी के स्टूडेंट्स के लिए है, बट मैंने जब एटीटी के एनवायरमेंट स्टडीज का जो सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि कुछ टॉपिक्स बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैथ और साइंस कॉम्बिनेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी कवर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं एनवायरमेंट के साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ टॉपिक्स हैं एनवायरमेंट स्टडीज के, वो साइंस में भी ऐड किए हैं। तो एनवायरमेंट स्टडीज पेपर वन के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, वो तो उसका सारा सिलेबस कवर करेंगे ही, बट साथ साथ जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो पेपर टू के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसके एटलीस्ट 10 to 12 जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो जब हमने एनवायरमेंट स्टडीज का जब सिलेबस डिस्कस किया था उसमें हमने डिटेल में बताया था कि पेपर वन के लिए कौन सा टॉपिक है और पेपर टू के लिए कौन सा टॉपिक है। क्लियर? तो अगर अभी तक आपने एनवायरमेंट स्टडीज का सिलेबस नहीं देखा, अगर आप पेपर वन के स्टूडेंट हैं तो भी आपको देख लेना चाहिए कि आपके जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर आप पेपर टू मैथ साइंस के कॉम्बिनेशन के साथ पीएसटेट फिल करने वाले हो तो भी आपको एनवायरमेंट स्टडीज के कुछ टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर लेने चाहिए। क्लियर? तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के जो बाकी 3 टॉपिक्स रह जाते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। ये 3 सेक्शंस हैं, इनको हम अलग अलग सेपरेट जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो सिलेबस है फिजिक्स के लिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो रहने वाले हैं। क्लियर? तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सिलेबस ऑफ पीएस फिजिक्स है मैथ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये कौन कौन से टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड है। ओनली फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल, आफ्टर सम टाइम जो आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब साइंस का सिलेबस आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें से एनवायरमेंट स्टडीज का स्टार्ट हो चुका है। और जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको पीएसटेट और सीटेट का फुल कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो उस कोर्स में से जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी जिसको हम सीडीपी बोलते हैं, आफ्टर दैट इंग्लिश, मैथमेटिक्स और पंजाबी, ये सब हमने स्टार्ट कर दिए हैं। ये सब जो सेशंस हैं वो लगने शुरू हो चुके हैं, और इन सेशंस में आपकी जो रेगुलर क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस कंटिन्यूसली मिल भी रही हैं। एक दो टॉपिक सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके कंप्लीट हो चुके हैं। सो अभी तक अगर आपने स्टार्टिंग नहीं किया प्रिपरेशन का तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको फुल कोर्स मिल जाएगा हमारे चैनल पर पीएसटेट प्रिपरेशन। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अब डिस्कस करते हैं आज के सेशन के बारे में, जिसमें हम बताने जा रहे हैं सिलेबस ऑफ पीएसटेट और सीटेट। क्लियर? तो सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स का वो कौन सा है। देखिए, जो फिजिक्स है वो 5 सेक्शंस में डिवाइड है। क्लियर? फिजिक्स के 5 सेक्शंस हैं और उन सेक्शन में कुछ चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्शन हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें चैप्टर कौन कौन से हैं। ये सिलेबस रहने वाला है, आज ओनली सिलेबस डिस्कस करेंगे और कल से जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन से। फर्स्ट हमारा है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम 3 चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं अगर बात की जाए तो। फर्स्ट वन इज मोशन। सबसे पहला चैप्टर हमारे लिए रहने वाला है मोशन और हम कल से इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सेकंड जो हमारा है वो है फोर्स। थर्ड चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी और फोर्थ चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो ये 4 चैप्टर्स हैं जो कि आपके ए सेक्शन को कवर करते हैं, विच इज मैकेनिक्स। क्लियर?
मैकेनिक्स में ये चारों चैप्टर्स हैं जो आपका एक सेक्शन कवर करते हैं, मोशन, फोर्स, वर्क पावर एंड एनर्जी, लास्ट वन इज ग्रेविटेशन। इन चारों को अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड सेक्शन की, जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब जो आपका सेकेंड सेक्शन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें आपके दो चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर की अगर बात की जाए तो वो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड जो चैप्टर है वो है मैग्नेटिज्म। तो ये दो चैप्टर्स हैं जो आपके सेकेंड सेक्शन को कंप्लीट करते हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर? तो ये दोनों सेक्शंस को इंक्लूड करके हमारे ओवरऑल सिक्स चैप्टर बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड सेक्शन की, वो है ऑप्टिक्स। क्लियर? तो हमारा थर्ड सेक्शन है ऑप्टिक्स। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो थर्ड सेक्शन को कवर करते हैं। फर्स्ट वन इज लाइट। ओनली एक ही चैप्टर है जो आपके थर्ड सेक्शन को कवर करता है, दैट इज ऑप्टिक्स, और इसमें चैप्टर नेम क्या है, लाइट। क्लियर? तो तीन सेक्शंस आपके क्लियर हो चुके होंगे आपको कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स, फोर्थ सेक्शन है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। इसमें सबसे पहले साउंड चैप्टर है, आफ्टर दैट न्यूक्ली। क्लियर? अब फर्स्ट चैप्टर इज साउंड, सेकेंड इज न्यूक्ली एंड थर्ड इज यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। क्लियर? तो ये तीन चैप्टर्स हैं जो आपके फोर्थ सेक्शन जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स उसको क्लियर करते हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं? साउंड, न्यूक्ली और यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। क्लियर? तो फोर्थ जो लास्ट जो हमारा सेक्शन है वो है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में एक ही चैप्टर है जिसका नेम भी हीट एंड थर्मोडायनामिक ही है। तो इसको हम कवर करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें हमारे कुछ चैप्टर्स हैं, अगर इनकी बात करें कि टोटल हमारे कितने चैप्टर्स हैं, तो कुछ 11 चैप्टर्स हैं जो हमारे फिजिक्स के सिलेबस को साइंस के लिए कवर करते हैं। तो वंस अगेन ये जो सेशन आपका स्टार्ट होने जा रहा है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये जो टाइम अभी चल रहा है लॉकडाउन का, दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर पीएसएट, क्योंकि आफ्टर दैट अगर आप एग्जाम टाइम में ओनली रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके जो मार्किंग है बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं आपके मार्किंग को, अपने मार्क्स को। अगर बात की जाए कि जो 11 चैप्टर्स हैं ये ओनली फिजिक्स के हैं। क्लियर? तो पेपर टू जो स्टूडेंट्स हैं पीएसएट के लिए, जो सीटेट के लिए, वो इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फुल कोर्स अगर आप करना चाहे तब भी, तो फुल कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। साथ ही में एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि हमने आपसे नोट्स के बारे में भी कहा था कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जैसे हैंड रिटन नोट्स जो बहुत यूजफुल होते हैं, पीडीएफ आपके लिए एमसीक्यूज की, तो वो सब भी आपको मिल रहा है। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, वहां पे आपको नोट्स और पीडीएफ सेंड करनी शुरू कर दी गई है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कल से स्टार्ट करेंगे हमारा साइंस का सिलेबस, फिजिक्स के लिए रहने वाला है जो, तो फिजिक्स का सिलेबस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से। हमारे फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, विच इज मोशन। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं फर्स्ट क्लास में जो रहने वाला है साइंस के लिए। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू। तो कल कंटिन्यू करेंगे हमारे फर्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर।